दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास मीरा भाईंदर में पानी की मची हाय तोबा, मनसे ने किया धरना आंदोलन। मीरा भाईंदर मलबा क्षेत्र में इस वर्ष अच्छी बरसात होने के बावजूद कई दिनों से हो रही पानी की किल्लत से परेशान होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मीरा भाईंदर के 32 जगहों पर धरना आंदोलन किया। आपको बता दें, मीरा भाईंदर में 32 जगहों पर मनपा में पानी आपूर्ति करने हेतु टंकी का निर्माण करवाया गया है। इन सभी 32 पानी की टंकी के नीचे मनसे नेता अनिल रानावड़े ने अपने पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ सरकार एवं मीरा भाईंदर मनपा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। मनसे ने सवाल उठाया कि आखिरकार मीरा भाईंदर में रहवासियों के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है। आंदोलनकारियों ने मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी कर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मनसे की शिकायत पर जल्द से जल्द सुनवाई नहीं की गई तो मनसे भविष्य में धरना प्रदर्शन को उग्र करेगी, जिसकी जिम्मेदारी मनपा प्रशासन की होगी। देखिए धरना प्रदर्शन, ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। इलेक्शन आला काही नगर सेवक एकदा तुम्हाला 24 तास पाणी देऊ, 24 तास पाणी देऊ नका, तुम्ही आम्हाला एक घंटा एक तास तरी घरी पाणी द्या आम्हाला, बस असं दोन दिवस येतो पाणी, एक दिवस येतो, चार दिवस पाणी नाही, गायब, पूर्ण गायब। आम्हाला वाटत नाही, त्याला लाज नाही वाटत। महानगरपालिकेमध्ये तुम्ही आमच्याकडून घर घेता, पैसे घेता, पाण्याचे पाण्याचे पैसे पण घेता ना तुम्ही। आयुक्ताने एवढंच म्हणणं आहे माझं की त्यांनी आहे ना आम्हाला पाणी द्यावं रोज, नाही तर टँकरचं पाणी तुम्ही पिऊन दाखवा, तुमच्या पोराबाला ना पाणी पियायला द्या, दोन तास बस, दोन तास असले ना रोज आम्हाला तरी चालेल, पण रोज द्या। अगर आप लोग की आज मांगे पूरी नहीं हुई तो आज मनसे किस स्टाइल में आगे से धरना और उग्र क्या करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी? हाँ करेंगे, हम लोग इधर ही बैठेंगे, जितना दिन बैठना है उतना दिन हम लोग इधर ही बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे। आयुक्त आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो जो आंदोलन किया है सिर्फ ट्रायल है। लास्ट 6 महीने से मैं पत्रवार इनके अपने अधिकारी आयुक्त साहब इनसे कर रहा हूँ, हमारे कुंदन साहब है, हम दोनों साथ 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 में हम लोग दोनों कर रहे हो, लेकिन वहाँ से आयुक्त साहब से बोलो या अधिकारी साहब से कुछ भी ऐसा ऐसा हमको कुछ भी लेके ऐसा कुछ मिला नहीं है। खाली बोलते आश्वासन देते हैं कि पानी आएगा आएगा, लेकिन पानी नहीं आता है। आज आने का इधर कारण ऐसा है कि सिर्फ ट्रायल है। अभी आयुक्त साहब और संबंधित अधिकारी आपको बोलना चाहता हूँ, अगर ये ट्रायल देखने के बाद अगर पानी यहाँ पे नहीं आता है, अगर नागरिकों को जनता को पानी अगर नहीं मिलता है, तो आने वाला जो काल रहेगा, जो आने वाला जो आंदोलन रहेगा, वो हमको पता नहीं है कैसा रहेगा। उसमें हमको कितना भी केसेस होने दो, हम लोग डरने वाला नहीं है। अधिकारी साहब आपका कुर्सी संभाल के रखो, आपके माध्यम से बोलता हूँ, क्योंकि पानी के लिए जो पानी खाली मेन जो जीव पानी है तो जीवन है, अगर पानी नहीं मिलता है तो यहाँ पे सब पब्लिक तो परेशान है ही है। तो इसलिए आपके माध्यम से बोलता हूँ, ये तो सिर्फ ट्रायल है, आगे का आगे खेल बाकी है। अगर सुधरना है तो सुधर लो, अगर नहीं सुधरना है तो आपकी मर्जी, या तो आपका कुर्सी खाली हो जाएगा 100%। मनसे के आंदोलन के बाद पानी की कमतरता की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी? आपका अभी बोलता हूँ, कल का ही बात आपको बोलता हूँ आपके माध्यम से। कल रात को 10 बजे पानी आने वाला था यहाँ पे नौकर गांव में, लेकिन उसके पहले मनसे ने फेसबुक लाइव किया कर रहे हैं, तो रात को 10 बजे पानी आने वाला 4 बजे छोड़ दिया।
इसका मतलब एक सवाल ये है कि काफी लोग ऐसा माना जा रहा है कि मीरा भाईंदर का पानी चोरी हो रहा है, अभी चोरी हो कहां रहा है जब सबको पता है तो उसका उसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? अभी देखो जब मन से आंदोलन करती है तो पानी बराबर आ जाता है, तो पानी किधर गायब होता नहीं है, बराबर है। शांत हो गया, दो महीना तीन महीना शांत हो गया, पानी अपने आप साइड में किधर निकल जाता है। इसका मतलब क्या है, कितना कितना पानी भ्रष्टाचार, पानी का चोरी हो रहा है, ये 100% है। आपको तो पता है इधर टैंकर माफिया बहुत है, बराबर है। अगर पानी यहाँ पे नहीं है, पानी नहीं है तो टैंकर वाले को पानी जाता कैसा है, तो टैंकर वाला पानी बेचता है कैसा? ये सीधी बात है ना, सो सिंपल है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि किधर ना किधर पानी है गलत हो रहा पानी। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।